When brakes are applied to a fast-moving car, एक फास्ट मूविंग कार है उस पर हम अगर अचानक ब्रेक लगाए तो पैसेंजर विल बी थ्रोन, तो वो जो पैसेंजर जो सीट पे बैठे हुए वो किस डायरेक्शन में रहेंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। अब अपने एक सवाल को कब राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। When a brake are applied to a fast moving car, एक कार के अंदर, फास्ट मूविंग कार के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, वो अचानक सडनली ब्रेक मारता है, तो वो बताइए ब्रेक अप्लाई करता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ आपको इधर दिखा भी दें कि ये जो डायरेक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसकी वजह ये है कि जो कार की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो उस वक्त इस बैठे हुए पर्सन की भी वेलोसिटी है। जैसे ही हम कार को ब्रेक मारेंगे तो कार जो है वो हालत है फास्ट मूविंग कार के ऊपर, जब हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो वो कार जो है रेस्ट में आएगी, यानी ये जो सीट है इसकी जो सीट वो भी ऑटोमेटिक रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन जो जो पर्सन बैठा हुआ है, ये जो पर्सन है ये उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था जिस वेलोसिटी से कार मूव कर रही थी, तो इसकी वजह से जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो इस बॉडी, इसकी जो बॉडी का जो निचला वाला हिस्सा है वो हालत रेस्ट में आ जाएगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हालत मोशन में होगा, यानी कि ये जो हिस्सा है इसका बॉडी का ऊपर पार्ट ये मोशन में होगा, जिसकी वजह से वो बंदा वो पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर है वो है व्हेन अ ब्रेक आर अप्लाइड टू अ फास्ट मूविंग कार द पैसेंजर विल बी थ्रोन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका जो है वो राइट आंसर है।